जहां ये घटना घटित वहां सड़क की ऐसी अभी रिपोर्ट आएगी बच्चे इस बारे में उसका भी हम जब चाहेंगे कि वो रिपोर्ट के लेकर वो सड़क की कैसे बनी सड़क मुझे ख्याल वहां पर नहीं होगी क्या क्या वजह रही है सारी चीज को लेकर के अभी हमको किसी कंक्लूजन पर पहुंचना जार से एक बस जो है वो मेरे क्षेत्र के गाड़क सैनी और खावली एक जगह पड़ती है वहां के लिए रवाना हुई थी और लगभग 2.5-3 किलोमीटर के आगे ही बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है उसमें हताहत हुए 44 जो है कैजुअलिटीज उसमें हुई है। चार लोगों की जानकारी मिली है कि जिनको पीजीआई रेफर किया गया है, कुछ को मंडी जो मेडिकल कॉलेज है वहां भी रेफर किया गया है। सरकार की ओर से जो संभव किया जा सकता था राहत कार्य की दृष्टि से बहुत बेहतरीन ढंग से जो करने की कोशिश की गई है। एम्बुलेंस समय पर पहुंच गई, डॉक्टर्स की टीम हमने भेज दी थी और रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय जनता ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया, पुलिस विभाग ने, और फौरी रात जो घायलों और जो मृतक जो हैं उनको जो देने की बात थी वो भी सारी की गई। मैं उन परिवार के प्रति जिनके परिवार के सदस्य नहीं रहे इस दुनिया में इस दुर्घटना के कारण उनके प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी को जो है इस दुख को सहन करने की क्षमता दे, ऐसी प्रार्थना। हमने मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के जांच के आदेश उसमें दे दिए हैं और कार्यवाही करेंगे, सख्त कार्यवाही करेंगे। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ओवरलोडिंग कैसे रोकी जाए, ये मुझे लगता है कि अब सख्ती से काम करने की जरूरत है।